हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएशन में। तो चलो रोज की तरह आज कुछ नया बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोर्ट्रेट। तो पहले स्टार्ट में हम अच्छे से स्केच करके लेते हैं। ये अभी स्केच चालू है। आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल करना है स्केच में, क्योंकि कलरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह हम वाटर कलर से करने वाले हैं। आपको पता है वाटर कलर टेक्निक, आपको लाइट टू डार्क कलरिंग करना है, सेम जैसे हमने पहले वीडियो में दिखाया था वैसे ही। लेकिन इस बार मैं फर्स्ट टाइम पोर्ट्रेट दिखा रहा हूँ, वो भी वाटर कलर से। यह फर्स्ट फिलअप करके लिया, जहाँ पे हमें हाईलाइट छोड़ना है वहाँ पे हमने हाईलाइट छोड़ दी, बाकी पूरा वन कलर वॉश कर दिया। जहाँ भी आपको जो जो कलर दिख रहे हैं वो कलर वहाँ पे देने हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश कलर यूज़ करो। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हमने डार्क अप्लाई किया है। दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। यह हमने हेयर बना दिए, उसमें जो जो शेड दिख रहे थे हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा था, रिफ्लेक्शन अप्लाई किया। उसके बाद लाइट कहाँ पे है वो लाइट, फिर से सेकेंड फिलअप कर रहे हैं हम। जहाँ पे भी सेकेंड फिलअप में जो हमारा मिडल लाइट है वो मिडल लाइट हम दिखा रहे हैं। मिडल लाइट मतलब कौन सा, जो हमारा लाइट है और डार्क उसके बीच में जो हमें जो शेड मिलती है वो। हमने शेड एंड लाइट में ये सब देखा था, हाईलाइट, लाइट, मिडल लाइट, डार्क, उसी तरह से। ये वीडियो मैंने रात में की है, मतलब बल्ब लगाया था लाइट के लिए, तो इसलिए जो कलर है वो ज़्यादा फ्रेश दिख नहीं रहे, लेकिन वो फ्रेश कलर ही है। मैं जिसका एक फ़ोटो आपको लास्ट में एंड में दिखा रहा हूँ वो फ़ोटो मैं डे लाइट में निकालने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि नाइट में आप वर्क करते हो तो आपको कलर शेड थोड़ा डल दिखता है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि आप रात में काम जो करता है, रात में जो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कुछ भी वाटर कलर हो या ऑयल कलर, कौन से भी कलर आप मिक्स करते हो तो आपको शेड थोड़े अलग दिखाई देते हैं, कलर अलग दिखाई देते हैं, इसलिए ये थोड़ा आपको डल लग रहा है, लेकिन वैसे है नहीं। तो हमने ये सेकेंड फिलअप भी कर दिया है, अभी उसमें थोड़ा डिटेलिंग। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि आपको डिटेल में दिखाना था, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एंड तक मजा है। अगर आपका स्केच परफेक्ट होगा तो आपको कलरिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी,
क्योंकि अगर कलरिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो वो आसानी से मुझे समझ में नहीं आती वो मिस्टेक, लेकिन अगर आपका स्केच ही रॉन्ग होगा, स्केच में कुछ मिस्टेक होगी, तो वो कलरिंग कितनी भी अच्छी करो वो कलरिंग अच्छी दिखेगी नहीं। तो ये ध्यान में रखना आपको। मैंने ये हैंडमेड पेपर यूज़ किया है, आई थिंक कितना जैसे में देखना पड़ेगा मुझे, ये मैंने चित्रपट हैंडमेड पेपर यूज़ किया है और 270 GSM है और ये टेक्चर रफ है। तो आप कौन से पेपर पे कलरिंग करते हो आपके ऊपर डिपेंड है, उस हिसाब से फ्लो भी अलग आते हैं, पैचेस भी अलग आते हैं। अगर ये कैंसन होता तो इसके ऊपर फ्लो अलग दिखते हैं। कलरिंग करने में थोड़ा मेथड अलग मेथड यूज़ करनी पड़ती है। अगर ये मैट होता तो इसके ऊपर पैच वर्क अच्छा आ जाता। आपको अगर पता नहीं तो वो भी भाई बता देता हूँ इस वीडियो में। रफ और मैट इसमें फर्क क्या है, मैट जो पेपर होता है उसके ऊपर टेक्सचर कम होता है और जो रफ होता है उसके ऊपर टेक्सचर ज़्यादा होता है। तो आपको जो फ्लो वर्क करना है तो फ्लो वर्क के लिए मेरे हिसाब से रफ पेपर अच्छा है। तो रफ हैंडमेड रफ पेपर पे आप अच्छे से कलरिंग कर सकते हो फ्लो वर्क। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी बैकग्राउंड में एक फ्लो देके हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट कर देता हूँ।